आज से लगभग एक साल पहले मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई भी चीज़ छूते हो तो आपको एक हल्का सा झटका ऐसा फील होता है, तो वो क्यों होता है। और उस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, और काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, ठीक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, आपको कभी भी करंट फील नहीं होगा, आई होप सो। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार वीडियो को जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को स्टैटिक करंट बोला जाता है और ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का नंबर वन तरीका ये है कि आपको एक ह्यूमिडिफायर खरीद लेना चाहिए। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि समर टाइम में हवा में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में फ्लो ऑफ करने से प्रिवेंट हो जाते हैं और आपको ज़्यादा शॉक्स नहीं लगेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लार्जर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमिड एयर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन ड्राई एयर। तो इस वजह से आपको एक ह्यूमिडिफायर ज़रूर खरीद लेना चाहिए अगर आपको भी शॉक्स से बचना है तो। नंबर टू, आपके घर में जितने भी कारपेट मौजूद हैं आप उनके सबके ऊपर एंटी स्टैटिक केमिकल यूज़ करिए, जिसकी वजह से उन कारपेट्स पे कोई भी स्टैटिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और आप जब भी उस कारपेट के ऊपर से गुजरेंगे तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। नंबर थ्री, आप हर वक्त अपने आप को मॉइस्चराइज्ड रखिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहने से आपकी बॉडी को कोई भी शॉक नहीं लगेगा और ये सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका भी है अपने आप को स्टैटिक करंट से प्रिवेंट करने का। नंबर फोर, आपको चाहिए कि आप लो स्टैटिक फैब्रिक शूज़ और क्लॉथ्स का यूज़ करें। जैसे ये रबर सोल के जो शूज़ होते हैं वो स्टैटिक करंट को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उसी तरह से वूल का स्वेटर और वूल के शॉक्स भी स्टैटिक करंट को बिल्डअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ऐसे ही जितने स्टैटिक फाइबर्स होते हैं जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर, ये सब स्टैटिक करंट को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप इनकी जगह पर लेदर सोल के शूज़ पहन सकते हो, जिसमें स्टैटिक करंट नहीं बनेगा। नंबर फाइव, आप अपने क्लॉथ्स को धुलने में बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हो। क्या वो बताए कि बेकिंग सोडा एक बैरियर का काम करता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसकी वजह से स्टैटिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो आप अपने क्लॉथ्स को धोते वक्त उसमें बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके क्लॉथ्स में स्टैटिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आपको कभी भी स्टैटिक करंट फील नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।